सो गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको सबको सिखाने वाला हूँ कि भाई जो भी पबजी मोबाइल एमुलेटर पर खेलना चाहते हैं, यहाँ पर किसी को आता नहीं है, किसी को पता नहीं है कीबोर्ड पर क्या क्या चीज़ यूज़ करी जाती है आगे पीछे, मतलब जो भी खेलने के लिए और माउस पर जो भी यूज़ करी जाती है किसी को पता नहीं है, तो मैं उनके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको पूरा ट्यूटोरियल समझ में आ जाएगा। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पूरा पबजी मोबाइल समझ में आ जाएगा। तो अब सीधा चलते हैं ट्रेनिंग मोड में और आपको पूरा सिखाता हूँ। तो गाइज हम ट्रेनिंग मोड में आ चुके हैं। तो पहले सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको चलते कैसे हैं। तो W से हम आगे बढ़ते हैं, S से हम पीछे जाते हैं, A से लेफ्ट और D से राइट, ये इसके कॉमन आगे पीछे चलने वाले हैं। और मैं आपको सिखाता हूँ स्प्रिंट कैसे करते हैं। शिफ्ट दबाएंगे और W दबाएंगे तो आपका स्प्रिंट चलेगा, तेज़ भाग सकते हो आप। और मैं आपको सारी ये चीज़ बताता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बताना आपको। एस्केप से आपकी सेटिंग्स खुल जाती हैं और यहाँ पर आप पिक एंड फाई इनेबल रख लेना, ये भी आपको सिखाने वाला हूँ पिक एंड फाई कैसे करते हैं पीसी में। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आप बंद कर सकते हो उसको यहाँ से, और टैब से आप यूज़ कर सकते हो अपना बैग और ये कपड़े ड्रेसअप पूरा। और थोड़ा आगे चलते हैं, गोला छोड़ के मुच रही है। और शिफ्ट से आपने सीख लिया कि स्प्रिंट कर सकते हैं हम, यहाँ पर तेज़ भाग सकते हैं। और कंट्रोल से आप अपना ये माउस कर्सर ला सकते हैं यहाँ पर, एमुलेटर का जो कर्सर है, जिससे भी आप कुछ भी क्लिक करना चाहें, कभी आपको की ना पता चले तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। कंट्रोल दबाया कि ये कर्सर खुला, कंट्रोल दबाया तो फिर गायब हो जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ स्पेस से होती है जंप, आप जैसे शिफ्ट होते दबा रहे हैं तो जंप कर सकते हैं, कभी भी जंप कर सकते हैं, जंप तो कभी भी काम करती है। और मैं दिखाता हूँ पीक एंड फायर, अब मैं बताता हूँ पीक एंड फायर कैसे करते हैं। पीक एंड फायर होता है क्यू और ई से, क्यू से होता है लेफ्ट पीक और ई से होता है राइट पीक, ये आपने सीख लिया। अब मैं बताता हूँ आपको रीलोड कैसे करते हैं, पहले हम गन लेने चलते हैं। तो भाई मैं पहले गन के रीलोड से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं क्राउच कैसे करता है। क्राउच हम करते हैं सी से, सी से आप क्राउच कर सकते हैं और सी दबाएंगे आप खड़े हो जाएंगे। और जेड से करते हैं हम प्रोन, तो आप ऐसे प्रोन कर सकते हैं और ऐसे खड़े हो सकते हैं। और मैं आपको अब गन्स का थोड़ा समझा देता हूँ गन का कैसा होता है। और आपको जैसे कोई गन लेनी है तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर एफ दिख रहा होगा जहाँ पर गन्स हैं, एफ जी एच, तो आप अगर माउस का ये स्क्रॉलर जो दिख रहा होगा आपको, ये माउस का स्क्रॉलर आप यूज़ करोगे तो आप कोई सी भी, जैसे मैंने एफ अभी M762 पे है तो मैंने एफ दबाया तो मेरे हाथ में एक गन आ गई। और मैं थोड़ा नीचे लेके जाऊँगा और ये जी एच पे हमें एमओ मिली है तो हम एच दबाएंगे तो हमें एमओ मिल जाएंगी, तो इसका ये सीन है। तो ऐसे लेने के बाद जैसे कि अब मैं आपको ये एक्सीडेंट मैग दिखाता हूँ, देखो एफ पे सबसे अच्छा वाला एक्सीडेंट मैग आ रहा है, तो हमने एफ दबाया, ये हमने एक्सीडेंट ले लिया। अब कॉम्प हमारा एच पे है तो हमें एच दबा दिया, तो ग्रिप आ रही है हम स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, ग्रिप आ रही है हमारी एफ पे, हमने ये एफ दबाया। और आर से हम रीलोड करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा फिर से गोली चला के, गोली चलाई और मैंने आर से रीलोड करा। रीलोड करने के बाद आपको मैं चलाता हूँ, थोड़े से दूर चले जाते हैं यहाँ से, ये थोड़ा गोली गोली चला रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ गाड़ी में कैसे बैठते हैं, गाड़ी में भी सिंपल ट्रिक एकदम बैठने की, एक होती है ड्राइवर सीट और एक होती है कोलीडर सीट। तो वहाँ चलते हैं पहले गाड़ियों की तरफ। तो जैसे कि हम गाड़ी के पास पहुँच चुके हैं तो आपको दिखाता हूँ मैं, तो ऐप से आप लोगे अपनी सीट, ड्राइवर सीट मिलती है आपको ऐप से, यहाँ पर कोई स्क्रॉल नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको ऐप दबाना है। और जैसे आपको सीट पर बैठना है सिर्फ दूसरी सीट पर, तो आपको जी दबाना पड़ेगा। और आपको अगर सीट चेंज करनी है तो फिर सी दबाना पड़ता है, और जो कि इसमें भी सीट सिर्फ ड्राइवर वाली है। तो आपको थोड़ी सी बड़ी गाड़ी में लेके चलता हूँ जो सीट चेंज करने के लिए, तो हम इस वाली बड़ी गाड़ी में आ चुके हैं। तो जैसे कि मैं देखा अभी ड्राइवर सीट पर मैं ऐप दबा के बैठ चुका हूँ, तो जी से आप अगर आप बाहर हो तो आप जी से साइड वाली सीट पर बैठ सकते हो। साइड बैठने वाले अगर आप पर कोई गोली चलाता तो फिर आप सीट तुरंत गाड़ी के अंदर कैसे चेंज करते, तो सी दबाते रहोगे आप, तो गाड़ी के देख रहे हो कि मैं चेंज होता जा रहा हूँ ऑटोमेटिक। सी दबाया फिर मैं इस पर आ गया, सी दबाया फिर मैं इस पर आ गया, तो ईएस करके आप सीट चेंज कर सकते हो। और मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपके हाथ में पेन है तो पेन कैसे लेते हैं, आपको पहले पेन लेने चलते हैं फिर आपको मैं बताता हूँ पेन कैसे लेते हैं। तो गाइज हमने सब कुछ ले लिया है तो अब हमें कुछ नहीं करना, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि गन को चेंज कैसे करते हैं। जैसे कि अभी मैंने टू दबाया तो सेकंड गन जो मेरे है वो मेरे हाथ में आ गई है, जैसे फर्स्ट दबाया तो गन चेंज हो जाएगी, फिर ये दबाया फिर से ये हो जाएगा। अगर आपको पेन चाहिए तो आपको एक्स दबाना पड़ेगा तो आपके हाथ में ऑटोमेटिक पेन आ जाएगा। अगर हाथ के जैसे मैंने अभी यहाँ पर मैं टैब दबा के अपना बैग खोलता हूँ और यहाँ पर मैं पेन गिरा देता हूँ जाके, यहाँ पर मैंने अपना पेन गिराया, तो आपके अगर जैसे मेरे हाथ में ये गन है तो अगर एक्स दबाओगे तो पेन नहीं आएगा, क्योंकि पेन ही नहीं है आपके पास। अगर आपको अपने घूसा मतलब आपको अपना पीस यूज़ करना है तो आपको जैसे वन पे, अभी मेरी गन है वन वाली गन है तो वन पे ही दबा देंगे तो दोनों गन पीस चली जाएंगी। अभी मैंने पेन उठा लिया तो पेन आपको बता दिया मैंने, एक्स से निकालते हैं, एक्स से ही रखते हैं। और अब मैं बताऊँगा ग्रेनेड मॉली किससे करते हैं सब। आपको अगर ग्रेनेड यूज़ करना है तो आपको फोर दबाना पड़ेगा, ग्रेनेड आपके हाथ में आ जाएगा और ऐसे आप थ्रो कर सकते हो। और अगर आपको स्मोक करना है तो फाइव दबाना पड़ता है ऊपर वाला, आपको फाइव दबा के आप स्मोक कर सकते हो। अगर मॉली करनी है तो फिर सिक्स करके आप मॉली कर सकते हो।
ये आपने सीख लिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको हीलिंग कैसे करते हैं। तो जैसे कि आपको अगर अपनी हीलिंग यूज़ करनी है तो हीलिंग आपको कंट्रोल दबा के अपना कर्सर लेके आना है और यहाँ पर आपको ऐसे क्लिक कर देना है और आपको फिर जीरो क्लिक कर देना, आपकी जो भी हीलिंग होगी वो हो जाएगी पहले। तो ऐसे आप हीलिंग कर सकते हो, आपको जीरो प्रेस करना है बस, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी होना जो भी आपको सिलेक्ट करने। जैसे हीलिंग में पिनिकल के बाद इंजेक्शन मारने का दिखाता हूँ आपको, इंजेक्शन मार के, ये मैंने इंजेक्शन यूज़ किया तो इंजेक्शन, तो ऐसे करके आप क्लिक करके भी इंजेक्शन अपना यूज़ करते हो, क्योंकि अभी जो मेरी हीलिंग मानी जाएगी वो सबसे पहले छोटी से स्टार्ट होती है हीलिंग अगर आप करते हो तो एम्यूलेटर पे। तो ऐसे आप क्लिक करके अगर आपको बड़ी हीलिंग करनी है और आपका अब ऐसे थोड़ा सा थोड़ा अलग लगता है तो आप टैप दबा के यहाँ से भी हीलिंग करके यूज़ कर सकते हो जाके, ऐसे करके कुछ भी आपको जो से यूज़ करना है, ये पेन किलर ये सब जो भी आपको यूज़ करना है। तो और ड्रॉप करने के मैं आपको सबको बताता हूँ ड्रॉप कैसे करते हैं गन को। अगर आपको ये गन ड्रॉप करनी है तो अभी आप उसको पकड़ के फेंक दो ऐसे करके पास, जैसे मैंने ये गन फेंक दी ऐसे करके, और कुछ भी सामान फेंकना होता है ऐसे पकड़ के। अगर आपको कुछ अमाउंट फेंकना है जैसे मैं गोलियां फेंकता हूँ हम की है, तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा उस पर तो आएगा ड्रॉप ऑल, अगर आप ड्रॉप करोगे तो पूरी गोली ड्रॉप हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर करूँगा ड्रॉप तो यहाँ पर आपको करने का आ जाएगा आपको कितनी एमो ड्रॉप करनी है। तो ऐसे आप गोलियां थोड़ी ड्रॉप कर सकते हो, स्मोक ड्रॉप कर सकते हो, सब कुछ ड्रॉप कर सकते हो जो भी आपको करना है। और मैं दिखाता हूँ आपको कपड़े कैसे निकालते हैं। अगर आप टैप दबाओगे तो आपकी बैक की इन्वेंटरी खुलती है, तो यहाँ पर एक ये अपना कैरेक्टर आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने कपड़े फेंक सकते हो। तो आपने ये सब तो सीख लिया है। और कुछ लोग को ये भी दिक्कत आ सकती है कि जैसे जंप करके जो ग्रैब वाली अभी जंप हुई थी कुछ महीने पहले आई थी, वो भी मैं आपको एमुलेटर पर सिखा देता हूँ कैसे होती है। जैसे आप जब मोबाइल में खेलते हो तो आप जंप भी जंप दबाते होते हो ना ऐसे करके, तो इसमें भी आपको वैसे ही करना है। मैं आपको एक सर्वर पर लेकर चलता हूँ बढ़िया से, जहाँ पर आप वाली जंप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे गाइस मैंने अभी स्पेस स्पेस दबाया, स्प्रिंट मार रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो एकदम जाके मैं ये जंप ही जंप ट्राई करूँगा तो ये होने लगेगा। तो ये जैसे कि ये होने लगा, ये देखो अभी ये थोड़ी सी वॉल छोटी है, ये वाली बड़ी वॉल पे देखो आप हो जाएगा ये काम। ये देखो गाइस ये होने लगा है। और मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा माउस का भी बता देता हूँ एक बार। तो माउस का मैं आपको बता देता हूँ, मेरा तो नॉर्मल माउस है 200-250 वाला, इसमें बता देता हूँ मैं आपको कि स्क्रॉलर से हर चीज़ होती है। जैसे कि अभी मेरे सामने ये एमोस पड़ी है तो मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ ऐसे कर, जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ मैं अपना स्क्रॉलर यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ ये घुमा के, तो ये आगे भी छोड़ा। और एफ जी एच आप यूज़ कर सकते हो जिस पर भी वो आके रुक जाए। और अब मैं दिखाता हूँ आपको कि शूट्स कैसे करते हैं जब गन्स होती हैं आपके हाथ में, तो शूट कैसे करता हूँ मैं। तो गाइस मैंने गन ले लिया, तो आपको शूट सिंपली ऐसे करना है कि आपको बस राइट क्लिक दबाना, आपका ये स्कोप खुल जाएगा और इसे आप शूट कर सकते हैं। और अगर आपको सिंपल शूट करना है तो आप सिर्फ ये वाला टिक दबाइए लेफ्ट क्लिक, तो अब ऐसे करके आप शूट कर सकते हो उसको। और गन तो आपको मैं बता दी सेकंड फर्स्ट करके गन चेंज करनी है। अगर आपको सिंगल करनी है, जो फर्स्ट गन होती है वो सिंगल आपको क्लिक करके करनी पड़ेगी, अगर आपको सेकंड गन भी सिंगल पे करनी है तो आपको सिर्फ 3 बटन दबाना है, 3 सिंगल हो जाएगी 3 शॉर्ट हो जाएगी, ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो ये चीज़। तो आपने ये सब सीख लिया। अब मैं और आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ आगे। तो गाइज मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ, वी जो बटन है, वी से आपका मतलब व्यू होता है, व्यू से आप एफ पी वी मोड कर सकते हो और टी पी वी मोड कर सकते हो। ये आप को जैसे मोबाइल में आप सुनाते हैं, यहाँ पर आपको वी से करना होता है, वी दबा के आप कर सकते हो ये चीज़ को। और एम से आप अपना मैप खोल सकते हो, अभी तो हम ये एम ट्रेनिंग मोड में है तो आप एम से मैप खोल सकते हो अपना पूरा का पूरा। और अगर आपको कुछ नहीं करना बस प्रिंट मारते जाना, अगर बहुत दूर जाना तो फिर आपको ये दिखा होगा प्लस बैक स्पेस के लेफ्ट में ये प्लस और ये की, तो आपको इस पर क्लिक कर देना तो ये ऑटोमेटिक, मैं कोई भी की नहीं दबा रहा है, ऑटोमेटिक स्प्रिंट करता है। और मैं दिखाता हूँ आपको वॉइस चैट कैसे इनेबल करते हैं। आपको टी दबाओगे तो वॉइस चैट बंद हो जाएगी, टी दबाओगे तो इनेबल हो जाएगी, वाई से आपका माइक खुलता है, वाई दबाओगे तो इनेबल हो जाएगी, वाई दबाओगे तो डिसेबल हो जाएगी। और F2 से आपकी ये सब खुलती हैं, अगर आपने कोई सेव कर रखा होगा आप ऐसे कर्सर दबा के यहाँ पर जा सकते हो और ये सब क्लिक कर सकते हो यहाँ पर आके। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि F4 से आपके जो इमोट्स हैं वो आ जाएंगे आपके सामने, F4 दबाओगे तो। और इस पर 1, 2, 3 करके, जैसे कि मैंने ये 1 से कर रखा है तो मेरे में कोई इतने इमोट्स नहीं है, तो ऐसे करके आप ये कर सकते हो। तो गाइस मैं एक चीज़ बताना और भूल गया था कि अगर आपको एम्यूलेटर जैसे कि कुछ भी यूज़ करना है अपने विंडो में से, तो एम्यूलेटर को छोटा बड़ा कैसे करते हैं, मिनिमाइज बोलते हैं ना वो, कैसे करते हैं। तो F11 अगर आप दबाओगे तो ये बड़ा हो जाएगा, और F11 दबाओगे फिर ये छोटा हो जाएगा। और आपको एक और चीज़ बतानी थी, अगर आपको कंट्रोल अपनी तरफ से कुछ चेंज करने हैं तो यहाँ पर आपको एक की दिख रहा होगा, जब तुम F11 दबाओगे तो मिनिमाइज हो जाएगी स्क्रीन, तो यहाँ पर कीबोर्ड दिख रहा होगा, कीबोर्ड पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोल्स दिख जाएंगे कि कौन कौन से पे क्या क्या कंट्रोल लगे हुए हैं। तो आप ये खुद भी सेट कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ F4 पे ये मेरा इमोट है, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर 8 क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर आके आप
अपना मतलब पहले वाला रीसेट भी कर सकते हो और यहाँ पर आपका सेव भी करते हो। तो मैंने यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो अब ये इमोट मेरा अगर मैं ट्रेनिंग मोड में जाकर दिखाता हूँ आपको, तो गाइज मैं भी आ चुका हूँ। तो क्योंकि भी मैं इमोट आपको चेक कर देता हूँ, नंबर 8 दबाता हूँ। तो देखो इमोट चालू कर रहे हैं ये, और ऊपर भी लिख गया है नंबर 8 से आपका ये सेट हो चुका है। तो यहाँ पर आप ऐसा करके सेट कर सकते हो, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अगर इस वीडियो को आप पूरी देखिए तो आप पूरा समझ ही गए होंगे कैसे कैसे आपको खेलना है। बिल्कुल आपको आसान लग रहा होगा कि हाँ ये तो बहुत ईजी था। तो यही था बस वीडियो में, बस आपको अगर समझ में आ गया तो भाई एक बार लाइक ठोक देना, कमेंट करके बता देना कि अगर आप सीखे नहीं सीखे, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।